बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास चैप्टर नंबर 1। हमारा टॉपिक आज है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। चैप्टर हमारा सेम है, पीरियोडिक टेबल्स एंड पीरियोडिसिटी। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो चीज़ें जो उसकी आउटलाइन बनेगी वो प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पर भी डेफिनेशन और उसके बाद उसके फैक्टर्स जो होंगे जो अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड्स को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और फिर एक्सेप्शनल कुछ केसेस अगर हैं तो उनको भी देखा जाएगा, जिसको कंक्लूड करके फिर अपने टॉपिक को वाइंड अप किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर डेफिनेशन है वो प्रीवियस डेफिनेशन से तकरीबन मिलती जुलती ही है, जिस तरीके से हमने आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था, उसको पढ़ा था। सो इट सेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, अगेन इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज। अब एनर्जी चेंज यहाँ पर है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों टाइप के रिएक्शन ये हो सकते हैं। वेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू एन आइसोलेटेड एटम इन द गैशियस स्टेट टू फॉर्म एन एनायन। तो यहाँ पर बात यह है कि अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी है, ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, और आइसोलेटेड एटम को जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन गैशियस स्टेट में आप एक इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड करेंगे, तब एनर्जी जो चेंज आएगा उस एनर्जी चेंज को हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कॉन्टेक्स्ट में या उसकी सूरत में उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो अटैचमेंट या उसकी जो एंथैल्पी है उसको हम डेल्टा एच ई ए की सूरत में जाहिर करेंगे। ई ए स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आप देखें कि ऑक्सीजन एक एटम है, जिस वक्त हम एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम को गैशियस स्टेट में जब ऑक्सीजन एटम को कन्वर्ट करके उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक एनायन जिस वक्त बनता है, या एक इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव चार्ज जिस वक्त बनता है, तो उस एक नेगेटिव चार्ज वाले एनायन की फॉर्मेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास करीब करीब -142 किलो जूल पर मोल है। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस रिलीज एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तौर पे नोट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब इसी ऑक्सीजन वन नेगेटिव जो आयन है इसमें जब एक और इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं, तो बजाय ये कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू माइनस, यानी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस की सूरत में ये एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, यहाँ पर काम थोड़ा सा ज़रा इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स सिचुएशन क्यों सामने आती है? क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक एनायन में ऐड करते हैं, बोथ ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑफ द सेम चार्ज, सो दे स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर। इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपल्शन, ओवरकम रिपल्शन, हमें यहाँ पर बजाय ये कि इनसे एनर्जी लेने के, हमें यहाँ पर एनर्जी खुद से इन्वेस्ट करनी पड़ती है, और ये टू नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पर मिलता है। और इसी तरीके कार से अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम इकट्ठा ही एक न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम के अंदर अगर ऐड कर दें, तो उस वक्त हमारे पास जो ऑक्सीजन टू नेगेटिव चार्ज का एक आयन जिस वक्त हमें बनाना हो, तो उस वक्त हमारे पास जो एनर्जी की अमाउंट जो यहाँ पर हमें ऐड करनी पड़ती है वो 702 होती है। नोटेबल चीज़ ये है कि अगर आप एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे, तो तब आपके पास यहाँ पर जो एनर्जी जो होगी वो पहले केस में एनर्जी रिलीज होगी और दूसरे केस एनर्जी ऐड होगी, लेकिन जिस वक्त हम इस पूरे के पूरे दोनों के दोनों रिएक्शंस को, यस, दोनों के दोनों स्टेप्स के प्रोसेसेस को जिस वक्त हम कंबाइन करते हैं, तो जो इसकी नेट इक्वेशन बनती है वो नेट इक्वेशन हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट की सूरत में अपीयर होती है, जिसको हम यहाँ पर 702 का नाम देते हैं। ये 702 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें यहाँ पर ऐड करनी पड़ती होती है। अब नेक्स्ट, इसके अंदर फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में थे, फैक्टर्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती चली जाएगी जिस वक्त किसी भी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। इसका सादा सा मतलब ये है कि जैसे ही न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज की मिकदार इंक्रीज होगी, उस वक्त जब हम एक न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन वसूल करके उसके बदले में जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का इंटरेस्ट किसी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज जो होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मिकदार कम होगी, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को वसूल करके या अपने एटम में ऐड करवाने के बाद थोड़ी सी
अमाउंट ऑफ एनर्जी या नॉमिनल सी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। दैट्स वाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो फिर उसके बदले में जो हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी मिलती है वो भी ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें अटोमिक साइज है। अटोमिक साइज में हम देखते हैं कि जो जब भी एटम का साइज इंक्रीज होगा, जब एटम का साइज ज़्यादा होगा, एटम के साइज ज़्यादा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। हियर वी सी के अटोमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर अटोमिक साइज कम होता है तो फिर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव इफेक्ट होता है या न्यूक्लियस की जो डोमेन होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल में ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पे एंटरटेन भी करता है और होल्ड भी करता है। और इस एंटरटेनमेंट या होल्डिंग के नतीजे में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और उस वक्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस का इंटरेस्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज द शील्डिंग इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट्स दैट कि जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता चला जाएगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन जिस वक्त बढ़ना शुरू हो जाएगी, उस वक्त न्यूक्लियस को पता नहीं चल सकेगा कि आउटर मोस्ट शेल में आने वाला इलेक्ट्रॉन वो किस स्टेटस पे है। वो उस इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से एक पूरे एटम का ऑक्टेट कंप्लीशन की तरफ जाता है या कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता, सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है या सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता। न्यूक्लियस के इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एक ब्लाइंड होना एक इम्पैक्ट जनरेट करता है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का ब्लाइंड होना ऑब्वियस है। जैसे जैसे न्यूक्लियस ब्लाइंड या लेस इंटरेस्टेड होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट के कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती और शील्डिंग इफेक्ट के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ फैक्टर हमारे पास यहां पर आएगा उसमें हम देखते हैं कि हाफ फिल्ड या फिर कम्प्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स उनका क्या सिलसिला है। हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर हम जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। इन स्टेबल ऑर्बिटल्स में जिस वक्त इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एटम की कोई खास इंटेंशन नहीं होती उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। जब कोई भी एटम आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं देगा तो वो ज़ाहरी बात है उसके बदल में या उसके एक्सचेंज में एनर्जी भी रिलीज नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई जब किसी भी सिस्टम में ऑलरेडी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हों जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है तो वहाँ पर एनर्जी की अमाउंट जो रिलीज़ होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है या समटाइम्स एनर्जी रिलीज़ भी नहीं होती। इसमें हाफ फिल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम बेरिलियम को और नाइट्रोजन की एग्जाम्पल भी देखेंगे एज एक्सेप्शनल केस, और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स के कॉन्टेक्स्ट में हम नोबल गैसेज को पढ़ते हैं। ये नोबल गैसेज वगैरह भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी उनकी बड़ी नॉमिनल सी बड़ी ना होने के बराबर होती है या समटाइम जीरो वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो किस किस उसमें किन किन ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं। ऑर्बिटल्स हमारे पास एस पी डी एफ जी एच आई सेवन शेल्स के अगेंस्ट सेवन सब शेल्स होते हैं। सेवन सब शेल्स के अंदर जो एस सब शेल या एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है, लिहाजा एस ऑर्बिटल के अंदर अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड आप करना चाहते हैं तो आपको उसके बदल में आपको उसके एक्सचेंज में अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है तो फिर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। सो दैट्स वाई इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल द रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी लार्जर एंड सो द ट्रेंड डिक्रीजिंग टिल द आई एनर्जी ऑर्बिटल। तो इसमें जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है उसकी मिकदार घटती चली जाएगी एंड वी सी अ डिक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम एस टू आई। एंड ऑन द सेम लाइन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर भी यही बात है कि के शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा दैट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस दैट विल रिलीज अ हेल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द ट्रेंड डिक्रीजिंग अप टू द क्यू शेल। तो क्यू शेल या फिर हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर सेवन पर जिस वक्त हमारी बात जा पहुंचती है अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं सातवें शेल में तो फिर जाहिर सी बात है कि सातवें शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहां पर रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है।
नेक्स्ट बेटे हमारे पास पीरियडिक ट्रेंड्स हैं। पीरियडिक ट्रेंड्स में वाइल वी मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट इन द पीरियड आयनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस। इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द एटम। जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज करता डिक्रीज करता चला जाता है जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो रिलीज वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती चली जाती है। इसकी सादा सी वजह न्यूक्लियस का होल्ड ओवर द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका जो होल्ड है वो इसकी सादा सी रीजन बनता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड इंक्रीज होता चला जाएगा वो उसके एक्सचेंज के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ाता चला जाएगा। सादा सी बात है, लिथियम हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ये मौजूद है। इट्स साइज इज रिलेटिवली बिगर देन रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ इट्स पीरियड। और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे साइज जाहिर बात है डिक्रीज होता चला जाएगा। कार्बन के केस में हम ये देखते हैं कि साइज अच्छा खासा कम हो चुका हुआ है। जब हम लिथियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होती है वो 57 किलो जूल पर मोल है, और जिस वक्त एनर्जी रिलीज हम कार्बन के केस में डिस्कस करते हैं दैट इज सिंपली 1:1 किलो जूल पर मोल एनर्जी। और अब ये जो 1:1 जो किलो जूल पर मोल एनर्जी की जो वैल्यू है ये सिंपली ये शो करती है कि जो साइज ऑफ कार्बन जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ लिथियम। बेरिलियम यहां पर रेड कलर में और नाइट्रोजन रेड कलर में शो किया जाता है। बेरिलियम का आउटर मोस्ट शेल उसके अंदर जो सब शेल है वो 2s2 सब शेल है, वो कंप्लीटली सब शेल है। कंप्लीट सब शेल में जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है तो वो बजाय ये कि वो एनर्जी रिलीज करे वो उल्टा हमें एनर्जी हमसे डिमांड कर लेता है, क्योंकि बेरिलियम ऑलरेडी अपने कंप्लीट सब शेल्स को इंडिकेट कर रहा है, ये स्टेबल एक कॉन्फिगरेशन को अटेन किए हुए है। सेम इज द केस फॉर नाइट्रोजन। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3p3 के केस में जिस वक्त हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें ये मिलता है कि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सब शेल जो है वो भी हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने की वजह से ये भी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से ये भी ट्रेंड से आउट है। बोथ ऑफ दिस रेड इंक्ड मेंशनड इंफॉर्मेशन दे आर एक्चुअली एक्सेप्शनल केसेस। इसको फिर हम नेक्स्ट एक्सेप्शनल केसेस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास है ग्रुप्स। When you move from top to bottom, size of atom increases and so generally trend decreases. ट्रेंड डिक्रीज होने की रीज़न क्या है? जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम मूव करेंगे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। न्यूक्लियस का इंटरेस्ट आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ घटता चला जाता है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जिस वक्त व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट ए है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसको एल्कली मेटल्स का नाम दिया था, उसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस हाइड्रोजन भी मौजूद है। हाइड्रोजन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद हाइड्रोजन जब हाइड्राइड आयन के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, व्हेन वी ऐड दिस सिस्टम टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जब हम हाइड्रोजन में ऐड करते हैं तो वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो -74 किलो जूल पर मोल है। और इसी तरीके से जो ट्रेंड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है। और जब हम सोडियम के केस में जाके देखते हैं तो वहां पर खासी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो शो करती है कि सोडियम का साइज बिग हो चुका हुआ है। सोडियम के न्यूक्लियस की इंटेंशन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही ज्यादा माइनर है, और कम इंटेंशन की वजह से सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सूरत में इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना वो बहुत ही ज्यादा एक मतलब जो है ना वो लेस या लीस्ट केस की सूरत में सामने आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केसेस में उसी तरीके से जिस वक्त हम पीरियड में डिस्कस करते हैं कि लिथियम को अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने रिलीज की है वो -57 है, 57 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है लिथियम जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बेरिलियम में, असूली तौर पर बेरिलियम की अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। फिगर शोज 57 to 66। फिगर इंक्रीज तो यहाँ पर करती दिखाई हमें देती है, लेकिन प्लस साइन इंडिकेट्स दैट वी हैव टू ऐड एनर्जी रादर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो पहले आपके पास ट्रेंड में एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, अब एनर्जी जो रिलीज हो रही थी वो एनर्जी अब आपको खुद से देनी पड़ रही है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। ये एक्सेप्शनल केस अगेन हम एक्नॉलेज करेंगे इसको बेरिलियम के आउटर मोस्ट सब शेल की फिलिंग के लिए। इसी तरीके से हम जिस वक्त कार्बन को डिस्कस करते हैं तो कार्बन में भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी इसकी रिलीज होती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को
उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसी तरीके से जिस वक्त हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम नाइट्रोजन के केस में देखते हैं कार्बन शुड रिलीज एनर्जी व्हेन इट गेट्स इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी, लेकिन नाइट्रोजन के केस में जिस वक्त हम एनर्जी को जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो बजाय ये कि नाइट्रोजन से हमें एनर्जी हासिल हो, हमें नाइट्रोजन को बाकायदा तौर पर एनर्जी इसमें ऐड करनी पड़ती है। एनर्जी ऐड करने की सादा सी रीज़न यही है कि नाइट्रोजन गॉट इट्स हाफ फिल्ड विलेंस ऑर्बिटल सिनेरियो, और उस पूरी की पूरी सूरत हाल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन दे कैन नॉट एक्सेप्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई एक किस्म की रिपल्शन टाइप फील होती है। उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ती है। तीसरा इसका केस ये है कि लेफ्ट टू राइट जिस वक्त हम मूव करते हैं तो असूली तौर पर नोबल गैसेज को हेल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी चाहिए जब हम उसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए नोबल गैसेज में क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट साइड पर मौजूद है, लेकिन यहां पर ऑब्जर्व क्या किया जाता है कि नोबल गैसेज ना तो इलेक्ट्रॉन वसूल करते हैं और ना उसके बदल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तौर पे एनर्जी रिलीज करते हैं। सो नोबल गैसेस आल्सो शो एक्सेप्शनली लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हेन वी स्विच ऑन टुवर्ड्स द ग्रुप्स में ये होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, लेकिन यहाँ पर भी एक अजीब सा ट्रेंड देखने में आता है कि फ्लोरीन के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है और क्लोरीन के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो दोनों के दोनों ट्रेंड को वायलेट कर रहे हैं। वायलेशन के अंदर जो चीज़ ऑब्जर्व हम यहाँ पर करेंगे वो ये होगा कि फ्लोरीन जो 333 किलोजोल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कम है। असूली तौर पे फ्लोरीन को ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी चाहिए क्योंकि फ्लोरीन अपने ग्रुप में लीड करता है, टॉप पे मौजूद होता है, इसका साइज़ कम होता है। साइज़ कम होने की वजह से फ्लोरीन के एटम को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद क्लोरीन जिसका साइज फ्लोरीन के निस्बत थोड़ा सा ज्यादा है उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज है उसकी अमाउंट कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ट्रेंड अगेन ऑपोजिट है। इसको हम एट्रीब्यूट करेंगे डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बिहाफ पे। डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फ्लोरीन का जो होगा वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी रिलीज होनी चाहिए उतनी एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एक और भी चीज स्टूडेंट्स मैं इसमें ऐड कर दूं कि मुख्तलिफ किताबों के अंदर यह लिखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखिएगा पॉजिटिव में बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि ट्रेंड में इसकी डिजिट्स के अंदर वैल्यू तो कम होती है लेकिन एनर्जी बहरहाल रिलीज होती है क्योंकि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अपना जो जिसको आप कहते हैं कि जो शेल है और सब शेल है उसको कंप्लीट करना होता है। एंड फाइनली वी समराइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्सेस एटॉमिक नंबर। इसमें भी हम जो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि जिस वक्त हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, एज यू सी इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट में मौजूद है, हीलियम पीरियोडिक टेबल के एंड पे मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं या चेक करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि स्टार्ट के जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम और लेटर मेंबर्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमारे पास उसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। और इस तरीके से लिथियम या बेरिलियम के केस में जब देखते हैं तो लिथियम में हमारी जो ऑब्जर्वेशन ये है कि लिथियम इज ऑफ द बिगर साइज, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की रिलीज्ड वैल्यू कम होगी। बेरिलियम हमारे पास स्मॉलर साइज का है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उसी तरीके से हमारे पास ट्रेंड के अंदर ज्यादा होनी चाहिए। अगेन हम बेरिलियम और कार्बन बोरॉन और कार्बन और नाइट्रोजन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर भी हमारे पास उसी तरीके के ट्रेंड ऑब्जर्व होते हैं। अब यहां पर एक चीज और भी है कि पॉजिटिव में जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी एक्सेप्शनल केसेस हैं, नेगेटिव में जो वैल्यूज हैं ये सारे के सारी हमारे पास ट्रेंड की वैल्यूज हैं। बेरिलियम बोरॉन के केस में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कार्बन के केस में उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिलीज होनी चाहिए बट इट इज द एक्सेप्शनल केस। अगेन जिस वक्त आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए नाइट्रोजन से जिस वक्त आप ऑक्सीजन पर जाते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास ज्यादा रिलीज होती है। फ्लोरीन के केस में और ज्यादा वैल्यू माइनस में चली जाती है, माइनस में वैल्यू जाने का मतलब यही है कि हमारे पास यहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो अच्छी खासी ज्यादा होती है। And this trends goes on. And finally, we conclude this topic that कि जब हम left to right move करेंगे तो amount of energy release की amount ज़्यादा होगी, जब हम top to bottom move करेंगे उस वक्त हमारे पास amount of energy की value, जो release amount of energy की value है वो आहिस्ता आहिस्ता decrease होती चली जाती है। That's all for today. Thank you so much. और आपके फीडबैक बेटे, आपकी क्यूरीज और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटेंशंस एंड